हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी बढ़िया होंगे। तो आज बहुत ही डिलीशियस सी सूखी करेले की सब्ज़ी, वो भी थोड़ी नॉर्मल मसालों के साथ मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे करेलों को अच्छे से छील के बीज निकाल के मैंने कट कर लिया था। किसी भी साइज़ में आप कट कर सकते हैं। और उसको मैंने लगभग एक घंटे पहले थोड़ा सा नमक और हल्दी में रख दिया था, जिससे उनका कड़वाहट भी निकल जाए, अच्छे से क्लीन भी हो जाए। और उसके बाद में अच्छे से दो तीन बार पानी डाल के मैंने इस तरह से वॉश कर लिया। ये देखिए कितना प्यारा कलर भी आ गया है। और यहाँ पे मैंने 4 से 5 टीस्पून ऑयल लिया, और मैंने थोड़ा सा सौंफ, मेथी दाना और राई और ज़ीरा, थोड़ी सी अजवाइन भी थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे जो है डाल दिया। तेल में अच्छे से क्रैकल हो गया। मैंने 15 लहसुन की कलियाँ, 4 से 5 हरी मिर्च और 3 से 4 सूखी लाल मिर्च को छोटा छोटा काट के और डाल दिया। अच्छे से 1-2 मिनट भून लिया। फ्लेम अभी लो थी। और यहाँ पे मैंने 4 बड़े साइज़ के प्याज लिए। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। वैसे करेलों में प्याज थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, उनकी कड़वाहट भी काफ़ी कम कर देता है। तो यहाँ पे प्याज़ों को अच्छे से कलर आने तक हमें भूनना है, ब्राउन नहीं करना लेकिन गुलाबी कलर आने तक और सॉफ्ट होने तक 4-5 मिनट मीडियम फ्लेम पे मैंने भूना है। यहाँ पे मैंने एक कैरी, एक मीडियम साइज़ की कैरी को छोटा छोटा टुकड़ा करके उसमें डाल दिया है। बहुत अच्छा काम करती है खटाई करेलों में। और यहाँ पे जब कैरी भी डालने के बाद में मैंने जो करेले वॉश करके रखे थे उन्हें भी डाल दिया और अच्छे से मिक्स करना है। अब हमें इनको 2-3 मिनट ऐसे ही भून लेना है मीडियम फ्लेम पे। उसके बाद स्वाद अनुसार नमक डालना है, थोड़ी सी मैंने हल्दी डाली है, थोड़ी सी लाल मिर्च, बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि मैंने हरी मिर्च और सूखी लाल मिर्च भी डाली है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा धनिया पाउडर, मतलब आधा चम्मच के जितना, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डाले मैंने, थोड़े थोड़े से डाले हैं। करेले की तासीर अपने आप में गर्म होती है, इसलिए मसालों का कम यूज़ करें। तो यहाँ पे अच्छे से भूनना है, 8-10 मिनट लो मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पकाना है। करेले मैंने काफ़ी पतले पतले काटे हैं तो गलने में आसानी होगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसको हम जो है अच्छे से पहले ऐसे ही भूनेंगे, उसके बाद ढक देंगे 10 से 12 मिनट के लिए। अगर आपको लगे तो थोड़ा बहुत पानी का छींटा लगा सकते हैं। और यहाँ पे ये देखिए बहुत ही डिलीशियस से हमारे सूखे करेले की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही नॉर्मल मसालों के साथ तैयार है, बना के ज़रूर देखिएगा। ये बहुत डिलीशियस और हेल्थफुल भी होती है। तो चलिए फिर, अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो थैंक यू।